subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कल बताया था कि जो है रीजनिंग की आपकी एक मास्टर क्लास लेके आऊंगा और उसमें जो है आपका जो डायरेक्शन चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपकी क्लासेस थोड़ा इधर उधर हो सकती हैं 2-3 दिन, उसके बाद आपकी क्लासेस जो है परमानेंटली वैसे ही चलेंगी जैसे चलती थी। आप लोग अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। ये आपका कर्तव्य भी बनता है और जब आप लोग ऐसा करेंगे तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको कुछ ना कुछ जरूर दें। आपको जो है प्रतिदिन जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ दिया जाता है। और आज हम उसी कड़ी में आगे जो है ये हमारी क्लासेस, ये जो क्लास चल रही है ये कब तक चलेगी अभी कुछ पता नहीं है। जब तक आपका ये डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास चलेगी, ठीक। तो चलिए हम डायरेक्शन चैप्टर में जहां तक बात कर चुके थे आज उसके आगे बात करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो रीजनिंग का पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने टाइप 1 बताया था। आज हम टाइप 2 से पढ़ेंगे, ठीक। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है डायरेक्शन, और डायरेक्शन में हम लोग जो है जो वहां से बचा हुआ भाग था उसके आगे पूरा डिस्कस करेंगे। आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था जब हमारा पहला क्लास चला था डायरेक्शन का, तो उसमें हमने बताया था कि डायरेक्शन में हमको 9 टाइप पढ़ने हैं, टोटल 9 टाइप, और आज हम पूरा टाइप कंप्लीट करेंगे। आज हम दूसरे टाइप पर पहुंचे हैं। पहला टाइप हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अभी आप इसको यहां से देखिए, समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। तो देखिए, टाइप 1 में हमने ये बताया था कि अगर एक व्यक्ति है, अगर वो 4 बार एक ही तरफ घूम जाएगा तो वो फिर से उसी तरफ देखने लगेगा जिस तरफ वो देख रहा है, ठीक। पहले टाइप में मैंने ये बताया था। दूसरे टाइप में आपको जो है ये नहीं बताया जाएगा कि व्यक्ति कहां से चल रहा है, ठीक। ये नहीं बताया जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा से चलना शुरू करता है। हमको क्या करना है, हमको प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी रहेगी, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी रहेगी। और बताया जाएगा कि जैसे एक आदमी जो है चलता है वो एक बार मतलब कि लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, इस प्रकार जो है वो चलता है। तो आप बताइए कि वो किस इस समय वो उत्तर दिशा में है तो किस दिशा से वह चला था, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके। तो ये जो टाइप है आपका वो टाइप आपका दूसरा है। इसमें आपको प्रारंभिक स्थिति पूछा जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ठीक। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। हेलो आशीष, पंकज, दिलीप, मोहित, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति, प्रश्न पहले समझ लीजिएगा, प्रश्न पहले समझ लीजिएगा। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका बेस समझ लीजिए, ये बेस है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो डायरेक्शन में मेरी गारंटी है कि आप चाहे जहां से प्रश्न सॉल्व करें, अगर एक भी प्रश्न में समस्या आ जाएगी तो आप कमेंट कर देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन का जो टाइप 2 है हमारा। मैंने कहा कि एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, कहां से चलना प्रारंभ करता है हमें नहीं पता। वह एक बार लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, और वह इस समय, और वह इस समय उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, और वह इस समय उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो ये बताइए कि प्रारंभ में वह किस दिशा में था, ये बताइए कि प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना शुरू किया, प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना शुरू किया। तो चलिए इस तरह का जो प्रश्न रहता है वो हमारा टाइप 2 में रहेगा। टाइप 1 में हमको यहां की स्थिति दी गई थी, टाइप 1 में हमको यहां की स्थिति दी गई थी और यहां की स्थिति निकालना था। टाइप 2 में हमको यहां की स्थिति दी गई है और यहां की स्थिति निकालना है। आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करिए, बताइए कि क्या आएगा। आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बताइए कि क्या आएगा एक बार। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि लेफ्ट और राइट जितने भी हो आपस में कट कर दीजिए आप लोग। तो देख रहे हैं एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा आपका, उसके बाद और कहां है,
एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा आपका, बचा क्या लेफ्ट बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर दिशा में चल रहा था और उत्तर दिशा मतलब लेफ्ट लिखा है ना, अगर लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट घूमेंगे और राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट घूमेंगे, याद रखिएगा। तो जैसे क्या कह रहा है कि उत्तर, अब चूंकि पहले समझ लीजिए दिशा, समझ लीजिए आप लोग, ये आपका है पूर्व, ये आपका है पश्चिम, ये आपका है उत्तर, ये आपका है दक्षिण, ठीक इतना है आपका, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक। क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा में इस समय चल रहा है, ठीक, इस समय वो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, और हमारे पास बचा क्या है, लेफ्ट बचा है। तो मैंने कहा कि अगर लेफ्ट रहेगा तो उसको राइट करके काउंट करेंगे और राइट रहेगा तो लेफ्ट करके। इसका मतलब कि उत्तर के यहाँ पे लेफ्ट है जिसको राइट काउंट करेंगे, कि उत्तर के राइट में हमारा क्या रहेगा। तो देखिए उत्तर ये है और उत्तर के राइट में हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इसका मतलब कि वो आदमी किस दिशा से चलना शुरू किया, वो आदमी हमारा जो है पूर्व दिशा से चलना शुरू किया। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए, एक बार कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइए, बताइए किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। केवल एक चीज याद रखिएगा बस, सबसे पहले आप काटिए, काटने के पास आपके पास जो बचा उसका उल्टा करिए, लेफ्ट बचेगा तो राइट, राइट बचेगा तो लेफ्ट। तो यहां पे लेफ्ट बचा इसलिए हमने राइट कर दिया। इसका मतलब उत्तर का राइट कौन सा है, तो देख रहे हैं उत्तर का राइट हमारा कौन सा है, पूर्व है। तो उत्तर का राइट हमारा पूर्व है, तो इसलिए जो है हमारा मुंह किधर रहेगा, जब इंसान चलना शुरू किया तो वो किस दिशा में चलना शुरू किया, पूर्व में चलना शुरू किया। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप पर, एक व्यक्ति था, वो चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं पता कहां से चलना प्रारंभ किया। एक बार वो लेफ्ट घूमता है, फिर वो राइट घूमता है, फिर वो राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, और उसके बाद फिर राइट घूम जाता है। इस समय वह दक्षिण की दिशा की ओर चल रहा हो, इस समय वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा हो, तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चल रहा था, हमने क्या कहा, कोई भी कठिन प्रश्न है ही नहीं डायरेक्शन में। आप केवल जितनी देर मैं बना हूं ये मास्टर क्लास आप देखिए और आपको पूरा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा कि जो आप डायरेक्शन चैप्टर का ना कर पाए। चाहे जो किताब उठा लीजिए, चाहे आप किरण पब्लिकेशन उठा लीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, आपको हर क्वेश्चन जो है हमारे इस एक घंटे की वीडियो में या दो घंटे की वीडियो में, कब तक का वीडियो है मुझे नहीं पता, केवल इतना जानता हूं कि डायरेक्शन आज आपका कंप्लीट करवा दूंगा मैं। तो चलिए, एक बार लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट कर गया, लेफ्ट से राइट कर गया, बचा क्या हमारे पास, राइट बचा। इसका मतलब कि राइट बचा हमारे पास ना, हमने क्या कहा कि जो बचा है उसी का उल्टा कर दीजिए, राइट बचा है तो लेफ्ट कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिण का जो लेफ्ट होगा उसी दिशा से आदमी चलना शुरू किया है। दक्षिण को जब हम करेंगे, अर्थात जब यहां पर हम देखेंगे लेफ्ट और राइट, तो यहां हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम पूर्व दिशा की बात करें, पूर्व दिशा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तब हमारा ये यल हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ समझिए, जहां पर आप खड़े हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर खुद को महसूस करिए, उसके बाद जिस हाथ से लिख रहे हैं कलम, कलम जिधर आपकी चले उधर आपका राइट होगा, और जिधर आप बैठे मतलब जिधर दूसरा हाथ रहे वो आपका लेफ्ट होगा। तो अब जैसे देखिए, ये है हमने यहां पे रखा दक्षिण, दक्षिण की ओर है, इसका मतलब कि हमारा मुंह किधर है, नीचे है। तो जब हमारा मुंह जैसे इधर हो गया तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो वही चीज है, तो जब इधर की बात होगी तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। तो वही चीज है हमारा कि ये हमारा दक्षिण है, तो अब इधर हमारा राइट हो जाएगा, इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट अगर ना समझ पाइएगा
तो दाया और बाया हिंदी समझ लीजिएगा, दाया और बाया समझ लीजिएगा, तो दाएं और बाएं में क्या होता है कि जिधर आप जैसे दक्षिण जब ले रहे हैं तो दक्षिण अगर आप ये लेंगे तो आपका बाया जो होगा वो इधर बाया हो जाएगा और इधर दाया हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज अब जैसे दक्षिण का लेफ्ट, तो दक्षिण का लेफ्ट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्व, दक्षिण का लेफ्ट क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है हमें नहीं पता, वो लेफ्ट घूमता है लेफ्ट घूमता है लेफ्ट घूमता है, राइट घूमता है राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है लेफ्ट घूमता है, राइट घूमता है राइट घूमता है। अब बताइए कि वो किस दिशा में चल रहा है, वो बता दें राइट घूमता है, अब वह जो है पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, अब वह पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, ठीक। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, तो हमको आप ये बताइए कि वह आदमी किस दिशा की ओर चला था, जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं। आशीष, पंकज, मोहित, दिलीप, आप लोग पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट से राइट कर गया, 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 बचा क्या लेफ्ट, लेफ्ट बचा इसका मतलब राइट। तो अब पश्चिम के राइट हमारा क्या हो जाएगा बताइए, पश्चिम ये है हमारा और पश्चिम के राइट हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम के राइट हमारा हो जाएगा उत्तर, पश्चिम के राइट क्या हो जाएगा, पश्चिम के राइट हमारा हो जाएगा उत्तर। इसका मतलब कि आदमी किस दिशा से चलना शुरू किया था, आदमी उत्तर दिशा से। देखिए जैसे अगला नियम जो आपका रहेगा उसके लिए एक चीज समझना आपको जरूरी है, वो क्या जरूरी है कि जैसे अगर आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ये आपकी घड़ी की दिशा है, देखिए घड़ी ऐसे ही चलती है, तो घड़ी की दिशा में अगर आप चल रहे हैं तो ये आपका राइट है, जैसे इसका राइट ये हो जाएगा, फिर इसका राइट ये हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो जान लीजिए आपको राइट की तरफ होना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं आप, तो ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट है। दो चीज आप याद रखिएगा बस, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट चलेंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप राइट चलेंगे। अब जिसको यहां पर समझने में समस्या हो रही थी वो अब समझ ले। देखिए जैसे उत्तर है, उत्तर की जब हम राइट चलेंगे तो आप कहां चलेंगे, पूर्व में पहुंच जाएंगे, फिर पूर्व के राइट आप चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण पहुंच जाएंगे क्योंकि नीचे दक्षिण है, फिर दक्षिण के राइट आप चलेंगे तो पश्चिम पहुंच जाएंगे, और पश्चिम के राइट चलेंगे तो फिर से आप किस दिशा में पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से समझ लीजिए, बहुत आसान है। क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं तो आप राइट दिशा में चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप लेफ्ट दिशा में चलेंगे। तो जैसा कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसमें कोण पर घूमना है, तो कोण पर घूमने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, मोहित बताइए समझ में आया कि नहीं आपको, मोहित बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए देखते हैं, जैसे टाइप थ्री, जैसे दे दिया गया कि एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, ठीक, यही चीज है। तो इस समय वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, या इस समय वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, यही प्रश्न हमारा है। तो क्या देख रहे हैं, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, जैसे लेफ्ट और राइट वाले में काटते थे उसी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम काटेंगे। तो चलिए हमारा देख रहे हैं क्लॉकवाइज में 45 और 135, यानी 5 5 10 की 0, 1 4 1 5 3 8 और 1,
तो देख रहे हैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है। इसका मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट गया, जीरो आ गया। और जब जीरो आ जाए तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति जिस दिशा में देख रहा था उसी तरह उसी दिशा में देखता रहेगा, अर्थात अभी भी वह व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है और दक्षिण की ओर चल रहा है, वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 15 डिग्री या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, तो वह इस समय किस दिशा में देख रहा है, वह इस समय किस दिशा में देख रहा है। तो चलिए हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को काट देंगे, तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को काट दिया, हमारे पास बचा क्या, 135 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिण की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा था, यही है हमारा दक्षिण, दक्षिण की ओर देख रहा है और दक्षिण से 135 डिग्री क्लॉकवाइज हमको चलना है, यही आपका है दक्षिण। और यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, इसका मतलब कि देखिए यहां से जब 135 घूमेंगे तो ये आपका तो 90 हो गया और 90 में प्लस 45 जोड़ दीजिए अर्थात ये दिशा आपकी, तो ये कौन सी है, ये आपकी दक्षिण दिशा है ना, ये दक्षिण है और इधर आपका कौन सा है, इधर आपका है पश्चिम। देखिए ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ऊपर आपका उत्तर है, आदमी यहां चल रहा है अर्थात किस दिशा में चल रहा है, उत्तर और पश्चिम में चल रहा है, इसका मतलब कि आदमी किस दिशा में चल रहा है, उत्तर पश्चिम। तो जितना घूमेगा केवल उतना आप घुमा दीजिए, दक्षिण चल रहा है, दक्षिण से 135 डिग्री, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 45 हो गया, यानी कि ये पूरा आपका 135 हो गया। तो दक्षिण से जब 135 चलेंगे आप तो आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इसका मतलब कि वो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है। कहीं समस्या हो तो आप लोग बताइए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और देता हूं इसी नियम से, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं रुकूंगा। और मैंने कहा कि आज की जो क्लास है हमारी महामैराथन समझ लीजिए इसको, कि पूरा कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक मैं बताता रहूंगा, और वीडियो खत्म होने के बाद आप बताइएगा कि सर जी समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इस नियम का देख लीजिए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं भाई, ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, इसका मतलब 9 4 13 135 हो गया। क्लॉकवाइज को जब हम जोड़े, क्लॉकवाइज को जोड़ लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, इसको मैंने जोड़ा तो 9 4 13 135 अंश हो गया। तो 135 अंश से 135 अंश कट जाएगा हमारा, इसका मतलब आदमी घूमा कहां, आदमी घूमा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किस दिशा में देख रहा है, उत्तर पूर्व, ये है आपका उत्तर पूर्व भाई, ये है आपका उत्तर, ये है आपका पूर्व और ये है उत्तर पूर्व। अब व्यक्ति कहां घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उल्टा घूमता है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कितना, 45 डिग्री, तो यही है आपका 45 डिग्री जब घूमेगा तो अर्थात वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा होगा, वह व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा होगा। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए और हम आपको उत्तर बताएंगे, कहीं भी समस्या नहीं होगी, केवल काट दीजिए, काटने के बाद क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये दिशा है क्लॉकवाइज की और ये है एंटी क्लॉकवाइज की, इसी से आप कर लीजिए, आंसर पूरा आपके सामने आ जाएगा। अगला नियम जो आपका है, जो टाइप 4 है, वो क्या है, देखिए एक दिन में क्वेश्चन की जो है मैराथन लेके आऊंगा, उसमें जो है केवल क्वेश्चन रहेंगे, तो वो जब सीरीज वो जो चलेगी जब आपकी एग्जाम नजदीक आ जाएंगे, जैसे कि सितंबर अभी जो डेट आई है उसमें सितंबर में आपका एग्जाम होना है सीएचएसएल का, तो सितंबर में होना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त में
अगस्त में केवल क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, उसमें हम 150-150 क्वेश्चन या 200-200 क्वेश्चन केवल क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक चैप्टर के 200-200 क्वेश्चन एकदम हवा कर देंगे, हवा हवा करना है और आप लोगों को भी समझना है। तो चलिए हम देखते हैं आज अगला टाइप, अगला टाइप जो हमारा है टाइप 4। कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए, टाइप 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 4 आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दिशा और दूरी दोनों चीज इसमें दी जाएंगी। टाइप 4 जो है आपका, टाइप 4 में आपका दिशा और दूरी दोनों चीजें रहेंगी। इसमें आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक। टाइप 4 में आपका दिशा और दूरी दोनों रहेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया और पश्चिम को मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, तो दक्षिण की तरफ गया इसका मतलब कि नीचे गया, कितना गया 8 किलोमीटर गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, पश्चिम को मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। अब यहां पे है पश्चिम दिशा की कौन सी है, पश्चिम दिशा ये है, तो पश्चिम की दिशा की ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, जबकि हम जानते हैं उत्तर ऊपर की तरफ है, ये 8 है तो 5 का मतलब कि कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए, अर्थात उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। भाई ये 3 किलोमीटर है आपका, यहां से जब पूर्व की ओर चलेगा तो यहां भी आपका 3 किलोमीटर चला था, जहां से चला था यहीं पे आ गया। इसका मतलब कि अशोक यहां से चला था, अशोक यहां से चला था और अशोक इस समय यहां पे पहुंच गया था, जो ये बिंदु मैंने बनाया है अशोक यहां पे पहुंच गया है। तो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक मिनट रुक जाइएगा, प्रश्न में कह रहा है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था। अशोक का आरंभिक स्थान ये है और यहां से इधर, अर्थात यहां पे अगर अशोक है तो ये नीचे वाली साइड, तो नीचे की तरफ है, इसका मतलब अशोक किस दिशा में है, तो अशोक दक्षिण की दिशा की ओर है। अशोक किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा की ओर है। जो प्रश्न में कह रहा है उसी तरफ आप चलते रहिए, आप अपने आप उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन इसी नियम का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद, समझिएगा P से कोई बिंदु P था, यहां से सचिन जो है चलना शुरू करता है 20 मीटर दक्षिण की ओर, 20 मीटर दक्षिण की ओर, अर्थात 20 मीटर जो है सचिन किस तरफ गया, 20 मीटर दक्षिण की ओर गया। उसके बाद देखिए, चूंकि दक्षिण हमारा नीचे है, यही आप याद रखिएगा, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ठीक। तो दक्षिण की ओर गया अर्थात नीचे गया। उसके बाद क्या कह रहा, समझिएगा, 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, बाईं ओर मुड़कर, अर्थात अब यहां पर है और यहां से जब बाईं ओर मुड़ेगा तो वो किधर मुड़ेगा, आप लोग बताइए, यहां से जब वो बाईं ओर मुड़ेगा तो अर्थात वो इधर घूमेगा। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि जो बाईं ओर घूमता है, अर्थात लेफ्ट अगर घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जान लीजिए, तो बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया, कितना गया 30 मीटर गया था, 30 मीटर गया तो यहां पर पहुंच गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा, समझिएगा, फिर से वह बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है, तो चूंकि हम देख रहे हैं बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज है हमारा,
तो बाई ओर मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, तो फिर से भाई ये हमारा 20 है ना, तो जितना ये है उतने तो यहाँ चलेगा, अर्थात 20 मीटर चला। फिर आगे देखिए, कह रहा है अंततः हुआ एक बार और बाई ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर से यह जो है बाई ओर मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा, चूंकि देख रहा हूं 30 मीटर इतना है और 40 मीटर कह रहा है, अर्थात इससे ज्यादा है। ये हमारा कितना है, ये हमारा 40 मीटर है। अंत में एक बार और मुड़ा, 40 मीटर चला, तो बिंदु क्यों पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, बिंदु क्यों पर पहुंच गया, तो पूछ रहा है कि बिंदु क्यों से पी की दूरी क्या है, बिंदु क्यों से पी की दूरी क्या है, अर्थात यही दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 30 है, तो जब यहां से यहां तक 30 है तो इतना क्या होगा बताइए, पूरा 40 है तो इतना क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब कि दूरी क्या हो जाएगी, 10 मीटर। और पी से क्यों की दूरी किधर है, पश्चिम की ओर है, इसका मतलब 10 मीटर पश्चिम, 10 मीटर पश्चिम, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये जो था ये टाइप 4 था आपका, ठीक। तो अभी चूंकि मैं टाइप बता रहा हूं, जब क्विज कराऊंगा तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उसी तरह के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए आज हम फिर अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5, कि टाइप 5 हमारा क्या है, ठीक। तो टाइप 5 देखते हैं, टाइप 5 हम देखते हैं, बताइए आप लोग एक बार जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं। जो टाइप 5 है आपका वो है दिशा में बदलाव, दिशा में बदलाव, दिशा में बदलाव का मतलब क्या हुआ बताइए, दिशा में बदलाव का मतलब क्या हुआ, दिशा में बदलाव का मतलब ये हुआ कि जैसे एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है, अब वह पश्चिम दिशा में देख रहा है, अब वह पश्चिम दिशा में देख रहा है। यदि यदि पूर्व को उत्तर कहा जाता हो, यदि पूर्व को उत्तर कहा जाता हो तो वह व्यक्ति किस दिशा में से चला था, मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा को बदल दिया गया, इसमें दिशा बदल दिया गया, मतलब पूर्व को क्या कह दिया गया, उत्तर कह दिया गया। तो जब पूर्व को उत्तर कह दोगे तो सारी दिशा हमारी बदल जाएगी ना भाई, जब किसी, चूंकि दिशा जो है हमारी यही दिशा है हमारा, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है। अगर हमने पूर्व को उत्तर बना दिया, अगर हमने पूर्व को उत्तर बना दिया तो इसका मतलब कि सारे नाम हमारे बदल जाएंगे कि नहीं। तो केवल इसमें आप ये देखा करिए कि कितना दिशा जो है जो हमारी बदली है वो कितने अंश पर घूमी है, मतलब कि अगर हम पूर्व को उत्तर बना दिए तो हम देख रहे हैं कि हम कितना घूमे हैं, हम 90 डिग्री, हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए हैं, हम कितना घूमे हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए हैं। तो इसका मतलब कि आखिरी उत्तर जो होगा उसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, जितना घुमाई जाएगी दिशा वही दिशा उतना हम हर जगह से घूम जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न समझते हैं। जैसे कि यदि यदि पहला प्रश्न इसमें का, यदि साउथ ईस्ट, ठीक, या फिर चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, यदि दक्षिण पूर्व को, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो इस प्रकार पश्चिम को क्या कहेंगे, इस प्रकार पश्चिम को क्या कहेंगे। हम क्या देख रहे हैं, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है। तो अगर एक ही प्रश्न में दो चीज दिया गया रहे तो दोनों का
मतलब एक ही होता है दोनों में से, चाहे आप जो भी करेंगे दोनों में से एक ही कॉमन मिल जाएगा आपको। जैसे दक्षिण पूर्व कह रहा है, इसका मतलब दक्षिण पूर्व आपका ये है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया। तो दक्षिण पूर्व ये था हमारा और इसको क्या कह दिया गया, इसको उत्तर कह दिया गया। मतलब हम देख रहे हैं कि ये हमारा दक्षिण पूर्व था और इसको कितना घुमा दिया गया, इसको घुमा दिया गया 135 डिग्री। कितना घुमा दिया गया, 135 डिग्री। कह रहा उसी प्रकार उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा गया। तो उत्तर पूर्व आपका कहां पे है, उत्तर पूर्व आपका ये है उत्तर पूर्व, इसको पश्चिम कहा गया। अर्थात ये देखिए, ये भी आपका कितना घूमा, 135 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि 135 डिग्री सभी दिशा घूम जा रही है, सभी दिशा 135 डिग्री घूम जा रही है। तो हम पश्चिम को क्या कहेंगे, भाई ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पश्चिम है, हम देख रहे हैं सभी दिशा 135 डिग्री घूम जा रही है। तो पश्चिम को जब हम 90 घुमाएंगे तो ये आ जाएगा दक्षिण में, और दक्षिण को जब हम 45 डिग्री घुमा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दक्षिण पूर्व में। इसका मतलब पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम को कहेंगे दक्षिण पूर्व। बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि समझ में आया कि नहीं। मोहित हाँ सर समझ में आ गया, सुनील हाँ सर समझ में आ गया, ठीक। तो कहीं भी समस्या नहीं है, केवल आप ये देखिए कि किस प्रकार से कितने कोण पर घुमाया जा रहा है, जितने कोण पर घुमाया जाएगा उतने ही कोण पर इसे भी हम घुमा देंगे। आपका आज डायरेक्शन खत्म रहेगा, खत्म रहेगा, याद रखिएगा। केवल मात्र पूरा वीडियो देखिए, आपको डायरेक्शन में कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप लोग, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। कहते हैं कि यदि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, यदि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण को क्या कहेंगे। हम क्या देख रहे हैं, पूर्व को उत्तर पूर्व कहा गया, पूर्व को उत्तर पूर्व कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये है पूर्व आपका और ये है उत्तर पूर्व। अर्थात आपका कितना घुमा दिया गया, पूर्व से जब हम आप उत्तर पूर्व गए तो आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिण को जब हम गिनेंगे तो दक्षिण भी हमारा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा। तो दक्षिण हमारा ये है और एंटी क्लॉकवाइज अर्थात ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो किस तरफ हो जाएगा, अर्थात दक्षिण पूर्व, किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये है आपका टाइप पांच। टाइप पांच में जो है आपका दिशा घुमा दी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम देखें कि दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाता है तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, मतलब दक्षिण पूर्व कहां है, ये है दक्षिण पूर्व हमारा, ये है और इसको कहा क्या जाता है, इसको पश्चिम कहा जाता है। मतलब कितना घूमे हम भाई, 35 ये, 45 ये और 90 ये, यानी कि 135 डिग्री घूमे और क्लॉकवाइज घूमे। यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे हैं। तो जब उत्तर पे हम चलेंगे तो उत्तर से, उत्तर है हमारा, उत्तर से 90 हो गया और ये 45, यानी कि 135 डिग्री जब घूमेंगे तो हम किस तरफ देखेंगे, दक्षिण पूर्व। कितना घूमे हैं, 135 डिग्री। 135 कैसे आ, समझ में आ रहा है ना भाई, हम देख रहे हैं कि दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा गया, तो चूंकि ये 45 और ये 90, 135 अंश घूमे हैं और क्लॉकवाइज घूमे हैं भाई, इस तरह चल रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसीलिए इसको भी हम उत्तर को भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये था टाइप 5 आपका। इसके बाद हम चलते हैं टाइप 6, देखते हैं क्या है। आप लोग लाइक करते रहिए ताकि हमको भी मजा आती रहे और आपको भी मजा आती रहे, दोनों लोगों को मजा आती रहे। चलिए टाइप 6 देखते हैं कि टाइप 6 आपका क्या है। टाइप 6 में याद रखिएगा, टाइप 6 जो आपका है उसमें आपका व्यक्ति की तरह है, ठीक, कि व्यक्ति सीधा खड़ा रहेगा तब
उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या रहेगा, व्यक्ति जब उल्टा हो जाएगा तब लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या होगा। तो समझिए इसमें, इसको समझने के लिए आप केवल यही एक फिगर समझ लीजिए बस। ये जो खेत में पुतला टांगते हैं ये मैं वही बनाया हूं, खेत का पुतला है समझ लीजिएगा। कुछ लोग खेत का पुतला इस तरह टांगते हैं और कुछ लोग खेत का पुतला इस तरह टांगते हैं। ठीक, ये तो ये बताइए कि जब खेत का पुतला अर्थात ये हम देख रहे हैं तो ये तो आपका उत्तर रहेगा ही, पता है सबको, ये आपका दक्षिण है ही। ठीक, समस्या किसमें रहती है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। भाई ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। ठीक, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो अगर आदमी सीधा है, अगर आदमी सीधा है तो उसका लेफ्ट हैंड पश्चिम की तरफ रहेगा, राइट हैंड पूर्व की तरफ रहेगा। ठीक, अगर आदमी सीधा है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, उत्तर की तरफ रहेगा। भाई यही चीज है आपका, लेफ्ट राइट यही है। ठीक, देख लीजिए एक बार, आशीष, दिलीप, मोहित, मुकेश, बताइए यही चीज है कि नहीं, पुतला ऐसे ही बनेगा। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जब पुतला हम बनाएंगे कोई आदमी खड़ा रहेगा तो उसका जो चेहरा होता है तो इसमें जो है उत्तर दक्षिण इस तरह नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो आदमी का जो चेहरा रहेगा अर्थात फेस जो रहेगा वो पूर्व की तरफ रहेगा, पैर जो रहेगा वो आपका पश्चिम की तरफ रहेगा। मतलब कि अगर आप पूर्व की तरफ खड़े हो जाइए, पूर्व की तरफ जब आप खड़े हो जाएंगे तो जैसे मैं इस समय एक बार केवल एक बार आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, वहां जब खड़े होंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका राइट हैंड है आपके राइट हैंड पर दक्षिण रहेगा, आपके लेफ्ट हैंड पर उत्तर रहेगा। मतलब आपके लेफ्ट हैंड पर उत्तर रहेगा और आपके यानी कि नॉर्थ, आपके राइट हैंड पर दक्षिण रहेगा। ठीक, आपके लेफ्ट हैंड पर क्या रहेगा, उत्तर रहेगा और आपके राइट हैंड पर दक्षिण रहेगा। ये देखिए सेम टू सेम वाटर इमेज बनी है आपकी, ये आपकी वाटर इमेज बनी है कि नहीं बताइए, वाटर इमेज बनी है कि नहीं। जब आदमी को उल्टा किया जाएगा ना तो आदमी का हाथ नहीं बदलेगा, जो हाथ लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा, केवल फेस बदल जाएगा। पहले पूर्व की तरफ फेस था, अब फेस जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, अब फेस पश्चिम की तरफ हो जाएगा और जो पैर होगा वो किधर हो जाएगा, पूर्व की तरफ हो जाएगा। बाकी जो राइट और लेफ्ट है ये आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, दक्षिण और उत्तर। आज आप लोग घर पे जाइएगा, आज आप लोग घर पे जाइएगा और घर पे जाके इसको प्रयास करिएगा। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी हम तो घर में हैं, तो यहाँ पे दो तीन लोग बैठे हैं, जब ये लोग घर जाएंगे तो इनको बता रहा हूं मैं, और आप लोग जो है घर पे ही हैं तो तकिया रख करके और सिर उल्टा करके खड़े हो जाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपका लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है। तो जो आपका टाइप सिक्स है, टाइप सिक्स आपका इसी दो चीज पर आधारित है। मान लीजिए कह दिया गया, पहला क्वेश्चन समझिएगा, एक आदमी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, एक आदमी का मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। इसमें भी भाई घड़ी की दिशा वाला देखना है, एक आदमी का मुख उत्तर की दिशा में है तो उसका जो है उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में रहेगा, उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में रहेगा। तो चूंकि मैंने बताया मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर है, अगर सीधा, चूंकि दो चीज है, व्यक्ति उल्टा हो और व्यक्ति सीधा हो, तो अगर प्रश्न में नहीं दिया कि व्यक्ति उल्टा है तो हम ये मानेंगे कि व्यक्ति सीधा है। तो एक आदमी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक,
आदमी का मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, यही चीज हमको पूछना है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि जो मुख होता है आपका किस तरफ है, पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर ना होकर के किस दिशा में किया गया है, उत्तर दिशा में किया गया है, अर्थात मुख को कितना घुमाया गया है भाई, ये चीज है हमारा। तो ये हमारा पूर्व होता है और पूर्व ना होकर के किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, मतलब कि कितना घूमे हो, कितना घूमे हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमे हो, कितना 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूम गए हो। तो जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूम गए हो तो हाथ जो रहता है वो उत्तर दिशा में रहता है, अर्थात उत्तर की ओर ना होकर के कितना घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज 90 दिशा में, 90 अंश डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो उत्तर की दिशा की ओर ना रहके जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, हाथ जो आपका यहां होना था, उत्तर दिशा में होना था, वो 90 डिग्री घूम गया, ठीक 90 डिग्री घूम गया, और किधर घूमा, एंटी क्लॉक वाइज घूमा, तो किधर हो जाएगा, पश्चिम की दिशा की ओर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। केवल एक फिगर अपने दिमाग में बनाइए कि व्यक्ति का मुख हमेशा पूर्व की दिशा में रहेगा, हाथ जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो उत्तर, राइट हैंड जो रहेगा दक्षिण। अब दिशा जिस तरह बदलेगी उसी तरह इसका हाथ बदला जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखता हूं मैं, एक व्यक्ति का मुख, ठीक एक व्यक्ति का मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, किस तरफ है, पश्चिम दिशा की ओर है, तो उस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। अब अगर व्यक्ति का मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, मुख किधर है, पश्चिम दिशा की ओर है, तो आप लोग केवल एक चीज याद रखिए, मुख किधर हो गया, पश्चिम दिशा की ओर। अगर आपको ये फिगर याद है यहां से, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड उसका उत्तर दिशा में होगा। अगर ये नहीं याद, एक ही अगर आप याद करें, तो मुख आपका पूर्व से किस तरफ हो गया, पश्चिम में हो गया, था कितना घूम गया मुख आपका, कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया मुख, कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। तो जब आपका लेफ्ट हैंड घूमेगा तो लेफ्ट हैंड आपका उत्तर है, और उत्तर का 180 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए, उत्तर का जब 180 डिग्री करेंगे तो फिर से हमारा वही चीज, यानी कि उत्तर जो हमारा रहेगा वो किधर घूम जाएगा, वो हमारा उत्तर ही रहेगा। देखिए क्या कह रहा है भाई, यही चीज तो है, व्यक्ति का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है, मुख किधर है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो हमने कहा कि मुख अगर पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका हाथ नहीं बदलता है, हाथ उसका नहीं बदलता है, अर्थात हाथ जिधर रहेगा उधर ही रहेगा, अर्थात लेफ्ट किधर रहेगा, उत्तर दिशा की ओर रहेगा। अगर आप इसमें घुमाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बोला कि 180 डिग्री घुमाइए, और जब हाथ को 180 घुमाएंगे तो ये दक्षिण की ओर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने ये दोनों चित्र बनवा दिए कि अगर मुख पूर्व की ओर रहेगा तब तो ये रहेगा नियम, और अगर मुख पश्चिम की तरफ रहेगा तब ये नियम रहेगा, बाकी अगर बीच में रहते तो जितना घूमेगा उतना हम घुमा देंगे। तो ये था हमारा टाइप 6, ठीक। तो लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो है नेट स्लो चलना शुरू हो गया है, तो आज हमको क्लास यहीं पे रोकना पड़ेगा, आई एम सॉरी। लेकिन तब भी जो है 6 टाइप हमने पढ़ चुके, हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 टाइप आपके और बचे हैं, 7, 8, 9। तो ये 3 टाइप जो है हम अगला वीडियो जब भी बनाएंगे, अभी तो चूंकि मैंने बताया कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, चूंकि यहाँ अमेठी में नेट बहुत स्लो चलता है, ठीक, तो इसलिए जो है आपकी क्लासेस लगातार नहीं चल पा रही हैं, उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा। लेकिन आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाया कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।